नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है लेफ़्ट ओवर राइस चना मिक्स पोहा। लेफ़्ट ओवर राइस चना मिक्स पोहा बनाने के लिए मैंने ये देखिए, मेरे पास कुछ चावल बच गए थे, और अगर मैं इस इतने ही चावल को तड़का लगाती तो ये कम भर जाते, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा पोहा डाल रही हूँ। तो लगभग एक बड़ा कटोरा मैंने पोहा लिया हुआ, जिसे दो बार धो के रख दिया है। और मैं इसमें ये देखिए हरे चने डाल रही हूँ। ये मार्केट में मिल जाते हैं, सूखे चने होते हैं, लगभग 4 से 5 घंटे ये भींगे हुए हैं। और एक बड़ा आलू लिया है मैंने, छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। और दो बड़े प्याज लिए हैं मैंने, लंबे टुकड़ों में काटा हुआ है। और दो हरी मिर्च मैंने बारीक काट के रखी हुई है। तड़के के लिए जीरा है, 1 से 2 छोटा चम्मच में हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा मिर्च पाउडर डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और तड़के के लिए रिफाइंड ऑयल है। शुरू करते हैं लेफ़्ट ओवर राइस चना मिक्स पोहा बनाना। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म होने देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। लगभग 2 छोटा चम्मच जीरा डाला है मैंने। और इसमें मैं प्याज भी डाल दूंगी। अब हरी मिर्च डाल दूंगी, आलू भी डाल दूंगी और चने भी डाल दूंगी। और सभी को अच्छे से मिक्स करके हम भूनेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब लगभग कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे अच्छे से भूनने में, प्याज को भी और थोड़े आलू भी गल जाएं और चने भी पक जाएंगे। तो इस तरह हम बीच बीच में इसको देखते रहेंगे और भून जाएगा ये। लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, देखिए अच्छे से भून चुका है। प्याज भी, आलू भी और चने भी अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं, भून चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डालूंगी लगभग 2 छोटा चम्मच, मिर्च पाउडर डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाले अच्छे से मिक्स करके मैंने भून लिए। अब मैं इसमें चावल भी डाल दूंगी और पोहा भी डाल दूंगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ चावल और पोहे को। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। हमें इसे ढक करके 2 मिनट भाप दे देती हूँ और फिर तैयार हो जाएगा हमारा लेफ़्ट ओवर राइस चना मिक्स पोहा। 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। अब ये खाने के लिए तैयार है, अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। गर्मा गर्म लेफ़्ट ओवर राइस चना मिक्स पोहा तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने सेव भुजिया और नींबू के साथ सर्व किया है। आप इसे नींबू निचोड़ के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि लेफ़्ट ओवर राइस चना मिक्स पोहा आपको कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।